हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग 11। आज आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी स्वीट की रेसिपी जिसे कोई भी बना सकता है, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से, बिना किसी चाशनी, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना झंझट के। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें और पसंद आता है तो लाइक करें। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे शाही पेड़ा। शाही पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को आप गैस पर अभी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और ये हमने लिया है 1 कटोरी दूध, वो दूध मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अभी मैं गैस पे नहीं रखूँगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही डाल दूँगी बिना गैस के ही, उसके बाद फिर मैं इसको गैस पर रखूँगी। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया 1 कटोरी दूध, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कटोरी शुगर। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी शुगर डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ देसी घी। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए हमारी चीनी से अच्छे से हो गई है इसमें मेल्ट। तो जब हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है, तो अब हम डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। ये देखिए, मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ, पूरा एक बार में नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि लंग्स ना बनने पाए। ये देखिए, मैं इसको डालकर थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इसको बराबर प्रॉपर चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, ये देखिए डाल दिया है, और इसको भी मिक्स कर ले रहे हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए अभी ना लम्स के, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए एक भी लम्स इसमें नहीं है। तो देखिए हमारा जब ये मिक्स हो गया अच्छे से, तो चलिए अब इसको हम लोग चढ़ा देते हैं गैस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गैस पर रखते हैं। तो देखिए, मैंने इसको गैस पर रख दिया है, और अब इसको हम बराबर चलाते हुए पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगनी है, बस 5 मिनट के अंदर हमारे पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे, और ये पेड़े एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे। और फ्रेंड्स, वैसे भी नवरात्रे आ गए हैं, तो हम लोग बाहर की चीज़ें थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, तो आप घर पे शुद्ध और साफ बनाइए और खाइए। इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको चलाकर अच्छे से पका ले रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हम बराबर चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही आराम से इसको पकाइएगा चलाते हुए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम दूध को बराबर चलाते जा रहे हैं, और देखिए हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, बट इसको बराबर चलाते रहना है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, और आपको दिखाना मैं भूल गई। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, और नहीं पसंद हो तो आप स्किप कर दीजिए। देखिए हमारा दूध अच्छे से एकदम सूख गया है, और ये मावे की तरह हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम को बंद। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए अब हमारा ये जो दूध है, जो मावा बनकर रेडी हो गया, ये कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब मैं इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको फैला रही हूँ, फिर भी ये देखिए तुरंत इकट्ठा हुआ जा रहा है। इसका मतलब हमारा मावा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और ठंडा होने का वेट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मावा हो गया है अच्छे से ठंडा। अब हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा घी। ये देखिए, मैंने हाथों में थोड़ा सा घी ले लिया है, और हाथ में ऐसे रफ कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकनापन भी आ जाएगा और अच्छे से एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एकदम ये देखिए अच्छे से चिकना चिकना डो टाइप में रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको इसी पे प्लेटफॉर्म पर फैलाकर और बेलकर कटोरी से कट कर लीजिए, और चाहें तो हाथ से बना लीजिए। तो मैं इसके छोटे छोटे हाथ से बनाऊँगी। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। हम लेंगे ऐसे लोई, देखिए मेरी ये बॉल बन गई। अब इसको हम हल्का सा कर देते हैं प्रेस। ये देखिए, मैंने प्रेस कर दिया है, और ये देखिए हमारा कितना सुंदर पेड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इसको हम रख देते हैं, ये देखिए हमारा पेड़ा। अब इसको हम रख देते हैं इसमें प्लेट में। ये देखिए, जैसे मैंने रख दिया है, तो वही इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारे पेड़े बनकर हो गए हैं रेडी। अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा गार्निश। तो ये देखिए, ये थोड़े से केसर के रेसे हम सब पे लगा देंगे।
ये देखिए, और मैं इस पर लगा दूँगी बादाम। अगर आपके पास काजू या पिस्ता, मतलब आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप लगा दीजिएगा, तो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम सब पे लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शाही पेड़े बनकर हो गए हैं रेडी। अब आप इसको टेस्ट कीजिए। वैसे जैसे ही टेस्ट करेंगे वैसे ही जाते ही मुँह में तुरंत ही खुल जाएंगे। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।